हेलो फ्रेंड, दिस इज रीना प्रफुल तिवारी। एंड गाइस, आप सब लोग कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, दिस माय फर्स्ट यूट्यूब वीडियो चैनल एंड आप लोग बहुत सारा सपोर्ट करिए। अभी तक जैसे आप लोग मुझे टिकटॉक पे सपोर्ट कर रहे थे एंड इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, और अभी आपको मुझे यूट्यूब पे बहुत सारा सपोर्ट करना है, बहुत सारा प्यार देना है। तो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए बहुत ही यूज़फुल वीडियो लेकर आई हूँ। अभी कोरोना टाइम चल रहा है और हाल ही फिलहाल में रक्षाबंधन आ रहा है, और मैं तो आपको बिल्कुल सलाह नहीं दूंगी कि आप बाहर जाइए और मार्केट से राखी खरीद करके लेकर आइए, बिल्कुल भी नहीं। तो गाइस, हम इस टाइम में क्या कर सकते हैं? तो बहुत सारी गर्ल्स ये सब सोच रही होंगी कि क्या करें, तो मैं उनके लिए ये वीडियो लेकर आई हूँ रक्षाबंधन के टाइम पर, कि आप अपने घर के सामानों से और एक बहुत ही सुंदर सा, बहुत ही स्पेशल सा अपने भाई के लिए राखी बना सकती हैं आप घर बैठे, तो होममेड राखी। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि वो राखी कैसे बनेगा और किन सामानों से। गाइस, तो ये है मूली, कुमकुम, हल्दी और ये चावल जो हम लोग डेली यूज़ में लेते हैं, वो चावल है, ये गम है, सीजर है और एक छोटा सा पेपर है। मूली को हम लोग अपने ये चार उंगलियों के हेल्प से इसको लपेटेंगे। कम से कम 10 से 15 बार इसको लपेटिएगा ताकि हमारी राखी बहुत अच्छी बने। गाइस, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, मूली और चावल से हम लोग अपनी राखी बना रहे हैं, जिसको हर शुभ चीज़ों में इसको यूज़ किया जाता है, हर पूजा में यूज़ किया जाता है, तो ये कितना शुभ है। और इससे हम अपने भाइयों के लिए राखी बना रहे हैं। और तो 5 से 10 मिनट में मैंने ये राखी कंप्लीट कर लिया था, तो आप भी बना सकते हो, बहुत ईजी है गाइस। तो हम लोग मूली का एक और टुकड़ा लेंगे एंड इसको मैं बीच में एकदम मिड में रखूँगी ताकि इसको मैं इजीली इसको गांठ बांध पाऊँ। और आप लोग को भी सेम ऐसा ही करना है, इसको कम से कम 2 या 3 गांठ तो ज़रूर आप लोग बांध लीजिएगा ताकि ये गांठ खुले ना, ईजिली बंध जाए। तो लीजिए, हमारी गांठ बन गई और कुछ इस तरह से दिख रही है। तो अब हमें क्या करना है, एक सीज़र की हेल्प से इसको दोनों साइड से कटिंग करेंगे, और फिर कटिंग करने के बाद कुछ ऐसा हो गया है। एंड अब हम लोग इसको एकदम मिड पॉइंट में दोनों साइड से इसको फैलाएंगे अच्छे से, और फिर फैलाने के बाद हमारा ये ऐसा हो गया। और फिर अब इसको हम एक ब्रश के हेल्प से इसको अच्छे से फैला लेंगे, कहीं रेशा इसके उलझे हुए ना हो अंदर, अच्छे से इसको ब्रश कर लेंगे। फिर ब्रश करने के बाद इसके जो साइड से धागा निकला हुआ है, इस धागा को हम लोग सीजर की हेल्प से कटिंग करेंगे। सो गाइस, अब कटिंग करने के बाद मैं बताती हूँ ये कैसा दिख रहा है। गाइस, तो ये चावल है, मैंने 3 कलर लिए, एक वाइट है और एक मैंने रेड कुमकुम से कलर किया है चावल को, और एक मैंने हल्दी से कलर किया। और गाइस, ये जो राखी है, इसे मैंने जो पेपर था उस पेपर को सर्कल में कटिंग करके और मैंने ग्लू से इसको चिपका दिया था, और अभी फिर से मैं ऊपर ग्लू लगा रही हूँ ताकि मैं वाइट वाला इस पर चावल लगा सकूँ, और साइड साइड में एकदम वाइट वाला चावल लगाना है। जैसे कि देखिए, मैं अभी लगा रही हूँ, ये वाइट वाले चावल है, एकदम साइड साइड में इसको लगाना है। अब उसी तरह मैं येलो वाले चावल भी लगा रही हूँ, जैसे कि ये देख रहे हैं आप लोग, येलो वाले चावल लगाना है, जस्ट वाइट वाले के बाद में मैंने येलो वाले चावल लगाया है। और इसी तरह मैं पूरे में सर्कल करके ये येलो वाले चावल भी लगा लूँगी। तो इसी तरह मैंने लाल वाला भी बना लिया था और मैंने चावल भी उस पर रख लिया, वो हमारा कंप्लीट हो गया, और मैंने उसको साइड में रख दिया ताकि वो सूख जाए। और मैं धागा, जैसे कि रोली से ही मैं धागा बांधने के लिए कलाई पे, जितना आपको लंबा चाहिए उतना उसके हिसाब से आप कटिंग कर सकते हैं, मुझे जितना चाहिए उतना मैंने ले लिया। और मैं इसको एक साइड से नोट बांधूँगी और दूसरे साइड से भी बांधूँगी। तो ये हमारा धागा कम्प्लीट हो गया, मैंने दूसरे साइड से भी नोट बांध लिया है एंड मैंने ये राखी के साथ रख दिया इसको। और एक और हमें बनाना है ऐसा ही, ऐसे 2 या 3 राउंड लेंगे और इसको कटिंग करेंगे, कटिंग करके और इसको अपनी उंगलियों से निकालेंगे, और ये छोटा होगा उससे, काफ़ी छोटा होगा, ये 2 उंगली में ऐसे फंसा के इसको आप बना सकते हो। और एक और छोटा सा धागा हम लोग काटेंगे रोली का, और फिर उसको उस वहाँ से हम लोग ऊपर साइड से, इस बार मिड में नहीं बांधना है, इसको ऊपर में बांधना है। तो ये हमारी नोट बन गई है, और इससे जो एक्स्ट्रा इसका धागा है इसको कटिंग कर लेंगे सीजर की हेल्प से, इसको हम लोग को कटिंग कर लेना है। और ये जो नीचे का पार्ट है, इसको भी जो एक्स्ट्रा धागा है इसको आप कटिंग कर सकते हैं, और इधर जो साइड से इसको भी कटिंग कर लेना है। फिर कटिंग करने के बाद इसको ब्रश से जो एक्स्ट्रा धागा है इसको भी हम लोग इसको ब्रश से अच्छे से करके, और इसको हम लोग जो एक्स्ट्रा धागा हुआ उसको आप कटिंग कर सकते हो। इस तरह हमें 2 बनाना है, एक ये हो गया एंड मैं एक और बनाऊँगी। तो ये मेरा बन गया जैसा कि आप लोग देख रहे हैं,
दो बनाए, तो मैं इसको एक साइड से, रोली के भी दो पार्ट हो गए हैं, चाहे दो या तीन पार्ट, जिस तरह इसको भी आप ऊपर वाले जो आपने स्पेस छोड़ा था इसको बीच में डाल करके और इसको साइड से हम लोग को बांध देना है। इस साइड भी बांध देंगे और वो दूसरे साइड भी बांध देंगे। हे फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको मेरा ये राखी का वीडियो और ये मेरा राखी, इसको ज़रूर कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लगा, और मेरा ये वीडियो कैसा लगा आपको मुझे कमेंट करके बताइएगा, और मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बहुत सारा प्यार दीजिएगा, जिससे मैं आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ लेकर आ सकूँ, और खूब सारा प्यार दीजिएगा।